ठीक है गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं वुड टेक्सचरिंग। ठीक है, मतलब पॉलीपेंट कैसे करने वाले। सबसे पहला बात, सब टूल में गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपेंड किया। अपेंड का मतलब क्या है कि मैं कोई एक और मॉडल यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मुझे कोई एक और मॉडल यूज़ करना है, तो व्हाट यू वांट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपेंड में गया, यहाँ पे मुझे लेना है प्लेन। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं प्लेन है, पॉलीक्यूब है, कुछ भी ऐसा ले लो जिससे आपका यहाँ पर काम हो सके। क्या यहाँ, ठीक है, ये प्लेन 3D लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैं उस यहाँ प्लेन 3D आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अभी इस प्लेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे रोटेशन दे सकता हूँ। क्या यहाँ पे गए, कहाँ गए, डिफॉर्मेशन पे गए, यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ट्राई करके देखना एक बार ना। 90 किया मैंने यहाँ पे, हुआ कि नहीं हुआ, किस पे हो रहा है, पहले चेंज कर सकते, ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेड को मैंने क्लिक कर दिया, वाई पे गए, वाई पे देखा यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -90 करके देखता हूँ यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने किया, ठीक है, व्हाट यू वांट, यहाँ पे मूव करके मैं यहाँ पे लेके आ गया साइड में। ओके, ड्रॉप पे गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक टेक्सचर कॉल करना है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे गए, यहाँ पे पॉली पेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर मैप भी है यहाँ पे। ठीक, अभी यहाँ पे मैं टेक्सचर यहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, वुड का ये ले लिया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये टेक्सचर यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे ये टेक्सचर में यहाँ पे दे सकता हूँ। तो अभी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कलर का पैटर्न आपको दिख जाएगा, भाई कलर का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मुझे इस टाइप से अगर चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अभी स्विच करते हैं यहाँ पे ऑल टाइम क्लिक। ठीक है, दो मॉडल मैंने यहाँ पे दे रखा है, मैं एक मॉडल को यहाँ पे फॉर टाइमिंग डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे अभी इसका यूज़ करना है, दूसरे का यूज़ नहीं करना। तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट। अभी मैं जब इस पर टेक्सचर स्टार्ट करूँगा, टेक्सचर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप है जिसको आपको माइंड में रखना है। ये मेरा मॉडल है, मॉडल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवीजन होता है, यहाँ पे जैसे आपने डिवीजन जितने भी दिए, डिवीजन है यहाँ पे। सबसे पहले लो डिवीजन पे जाओ, सबसे पहला काम लो डिवीजन पे गए, फर्स्ट स्टेप ये। सेकेंड स्टेप आपको यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे ढूंढो यूवी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉली ग्रुप से यहाँ पे। ठीक है, यू मैप है यहाँ पे, यू में जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना है भाई ये अनरैप है कि नहीं है। यहाँ पर मॉर्फ यूवी एक्टिव नहीं है, इट मीन्स ये अनरैप नहीं है। ठीक है, तो आप नीचे क्रिएट में जाओगे, क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं। आप यहाँ पे ये प्रेस करते हैं ग्रुप यूवी। ठीक है, क्लिक किया, ये देखो व्यू पर एक्टिव हो गया, मॉर्फ करो, ये आपका ऐसे दे गया। ये ध्यान देना, एक के ऊपर एक ओवरलैप ना हो, एक के ऊपर अगर एक ओवरलैप होगा तो दिक्कत आएगी टेक्सचरिंग में। ठीक है, आप इसमें से देखोगे, इसमें से काफ़ी चीज़ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। आप देखो ये भी यूज़ कर सकते हो, अडेप्टिव यूवी भी यूज़ कर सकते हो, ये भी छोटे छोटे पार्ट आपके अलग हो जाएंगे। अभी जिसको यूवी में लगता है, डर लगता है, उसके लिए यूवी का ये पार्ट आसान है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो यहाँ पे पॉलीपेंट करने वाले हैं। नहीं तो जब हम लोग जीवस में काम करते हैं, तो अगर मैंने माया में बेसिक मॉडल लगाया, तो मैं माया से भी अनरैप करके यहाँ पे मॉडल लेके आ सकता हूँ। तो अभी आपको ये रखना है, काम हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया, लेवल को 1 पे गए, दूसरा क्या किया हमने, यहाँ पे यूवी हमने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ निकालने के बाद मैं वापस अपने लेवल पे जाता हूँ। ओके, डिटेल आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे मुझे पॉली पेंट करना है, तो ये यहाँ पे RGB पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है, जेट ऐड और जेट सब दोनों ही ऑफ होना चाहिए। अभी मान लो सपोज मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे क्वेश्चन करें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे मैं कलर पिक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया, कंट्रोल और लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया, ये कलर आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो सिंपल कलर से ही दबाना स्टार्ट होंगे, अगर मैंने स्कल्पिंग कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किया मैंने, कलर में गए, फिल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना मैं क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ, कलर पे फिल ऑब्जेक्ट। फिल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेक्सचर मुझे ऑफ करना पड़ेगा क्या, क्योंकि वो उसको ले लिया उसने, कलर पे गए, फिल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को अगर आप समझोगे, तो प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या कलर पिक कर लिया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मैं यहाँ पे देखो, सॉरी कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या डार्क कलर लेता हूँ। आप चाहते हो डार्क कलर ऐसा भी ले सकते हो, डार्क कलर लिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। पेंट कैसे कर पाऊँगा यहाँ पे, देखो मैं देखना यहाँ पे, मैंने जितने जिस टाइप से मैंने स्कल्पिंग किया, उस टाइप से यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये चीज़ें और थोड़ा बेटर कर देगा यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना है, सब जगह आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया पे जाके आपको यहाँ पे काम करना है, ताकि आपको यहाँ पे
चीज़ों को दिखा सको कि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसा मैनेज कर रहा हूँ। पे आपका RGB को कम करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे ठीक है ना, पे इन चीज़ों को आपको बारीकी से आपको तो यहाँ पे चीज़ों को किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे करोगे। यहाँ पे तो आपका ये डार्क टोन आपके यहाँ पे ऐसे रेडी हो जाएगा ठीक है। आप साइज़ को छोटा बड़ा करके भी आप यहाँ पे लाइक कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये पार्ट आपको यहाँ पे तो ऐसे दिखाना पड़ेगा चीज़ों को। जितना बेटर में आप यहाँ जितनी डिटेल में आप दोगे यहाँ पे, आपको कलर आपको पता है कलर के साथ आप मैनेज कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा करो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मैंने यहाँ से पेंट किया है देखना है तो डार्क में यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये डार्क मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ओके, ताकि मैं चीज़ों को यहाँ पे मैं कवर अप कर सकूँ यहाँ पे कि भाई मैं बस ये आपको थोड़ा सा मैनुअली डील करना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बेसिक सा मैंने यहाँ पे शेप दिया कि भाई मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को पेंट कर सकता हूँ। तो पहले आपको एक कलर टोन ले लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक डार्क टोन आपको इसमें मैनुअली पेंट करना है, जैसे आपने स्कल्प किया यहाँ पे, ये चीज़ आपके पास और बेटर हो जाएगा, आपको यहाँ पे आप चीज़ों को और बेटर वे में दिखा सकते हो आप यहाँ पे ठीक है। इन चीज़ों को आप यहाँ पे लाइटली आप ऐसे भी डील करके दिखा सकते हैं, जितनी बारीकी से आप यहाँ पे काम को उतना बेटर इम्पैक्ट आने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी बारीकी से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे मैनुअली डेप्थ नहीं देना, मतलब कि मैं यहाँ पे सिर्फ जो मैंने पेंट करेगा जो स्कल्प करेगा मैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पेंट करने वाला हूँ। यहाँ पे यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ आपको दिखेंगी बहुत अच्छे से दिखेंगे यहाँ पे बाद में आप साइज छोटा करके छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आप यहाँ पे ये इन सब चीज़ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक रफली आप यहाँ पे ऐसा कुछ करके मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे कि चलो हमें ऐसा कुछ हमने पेंट किया, हमने कुछ स्कल्प कर रखा तो हम लोग ऐसा कुछ पेंट करके दिखा सकते हैं यहाँ पे ठीक है। साइज छोटा करके यहाँ पे चीज़ को मैं वन बाय वन करके मैं मैनेज कर दूँगा। अभी मैंने देखो यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे मैं बस क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे दूर से मैं बस यहाँ पे डेप्थ दिखना स्टार्ट हो रहा है ठीक है। अभी इसमें मुझे क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे पिक करता हूँ लाइट, कंट्रोल लाइन क्लिक किया मैंने यहाँ पे लाइट पे गया। अभी जो हमने डार्क पेंट किया उस डार्क के यहाँ पे जो बॉर्डर दिख रहा है साइज का दिखना है, ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पे मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दूँगा तो ये इम्पैक्ट और बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको तीन कलर से आपको प्ले करना है तो चीज़ आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे ऑपेसिटी इंटेंसिटी आप यहाँ पे थोड़ा कम कर लेना, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा आप यहाँ पे कुछ स्टेप से दोगे, ध्यान देना कॉर्नर पे ही देना है, कॉर्नर मतलब ऐसे कुछ ये देखो ठीक है। ये जितना आप पॉइंटेड करके आप यहाँ पे पेंट करोगे चीज़ आपको उतना ही बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ये चीज़ हल्की फुल्की डेप्थ आपको यहाँ पे देना स्टार्ट कर देगा आपके यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पॉली पॉइंट से अपने मॉडल को और लुक एंड फील और बेटर दे सकता हूँ, तो वो चीज़ मेरे पास और हाईलाइट हो जाती है और मैं चीज़ों को और बेटर वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो देखना यहाँ पे, यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे यहाँ पे दे रहा हूँ पे, तो मैं हल कलर कॉर्नर पे यहाँ पे मैं पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे देखो ठीक है। तो जस्ट आपको ये बेसिक फॉर्मूला ही आपको फॉलो करना है, आप ऐसी चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको चीज़ यहाँ पे थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे। देखो यहाँ पे दूर से दिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे आपका चीज़ों को दिखना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। तो ये लाइट टोन आप यहाँ पे अगर ऐसे कोई ड्रॉ करते हो आप यहाँ पे ठीक है। तो साइज में तो यहाँ पे दिखा बड़ा कर मैं देखा ये शेप में पास ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये शेप में ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ड्रॉ आपको अपने मॉडल के अकॉर्डिंग ही करना है कि आप चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा पाऊँगा कि भाई देखो यहाँ भाई मेरे पास चीज़ें हैं कैसे, और मैं कुछ स्टेप से मैं थोड़ा जितनी बारीक से बारीक चीज़ें देखो इन सब चीज़ें आप यहाँ पे पेंट करोगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है ना सेप आपके ये पार्ट आपका यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट को आप यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा पेंट करो आप यहाँ पे तो चीज़ आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो मैं सेप को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पे लाइट टोन यूज़ करेंगे, ये दूर से भी विजुअल हो। इन चीज़ों को आप यहाँ पे कुछ ऐसे भी आप करके मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पर ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आप यहाँ पे नॉर्मली हल्का हल्का पेंट आप करो यहाँ पे तो चीज़ अपने दूर से भी हाईलाइटेड दिखेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे इनको आप चाहो तो अलग अलग लेयर पे भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ एक में काम किया ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे धीमे धीमे आपको सी दिखना स्टार्ट हो रहा है कि आप कैसे क्या काम करोगे ठीक है।